भारत को रेसलिंग में दो बार मेडल जिताने वाले सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, सुशील कुमार एक हत्याकांड में आरोपी हैं। एक युवा रेसलर की हत्या में उनका नाम आया हुआ है और कई दिनों से अलग अलग राज्यों में पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, कई लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि सुशील कुमार फरार है और वो अपनी जो लोकेशन है वो बार बार बदल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत के बाद फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस झगड़े के पीड़ितों का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि झगड़ा मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुआ था। आपको बता दें, किसी व्यक्ति को अपराध के संदर्भ में पूछताछ के लिए जाँच एजेंसी के द्वारा बुलाया जाता है और यदि वो व्यक्ति उस जाँच एजेंसी की जाँच में सहयोग नहीं करता है और वो किसी गुप्त स्थान पर छिपने का प्रयास करता है, तब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। लुकआउट नोटिस का तात्पर्य उस व्यक्ति को देश के बाहर जाने से रोकना होता है। छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग लॉट में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में आरोपी सुशील कुमार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल उनका पता लगाने की कोशिशें कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद सुशील कुमार पहले हरिद्वार और फिर ऋषिकेश गया था। सुशील हरिद्वार में एक आश्रम में जाकर रुके थे, जिसके बाद वो वापस दिल्ली आ गए। सूत्रों के मुताबिक सुशील दिल्ली हरियाणा में अपने ठिकाने लगातार बदल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सुशील के ससुर सतपाल सिंह के साथ ही करीब दर्जन भर लोगों से पूछताछ कर चुकी है। नाम सामने आने के बाद से ही सुशील अंडरग्राउंड चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आज तक को बताया था कि इस हत्याकांड में सुशील कुमार के शामिल होने के सबूत भी हैं। तो अभी तक सुशील कुमार पुलिस के हाथों नहीं आए हैं। क्या कुछ होता है इस मामले में, क्या नया रुख लेता है ये मामला, उस सब की जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।